दोस्तों आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्रुस्कल वैलिस टेस्ट। क्रुस्कल वैलिस टेस्ट में बेसिकली जब दो से ज़्यादा हमारे पास कैटेगरीज होती हैं उनको हम कंपेयर करते हैं तो तब हम क्रुस्कल वैलिस टेस्ट लगाते हैं। और ये जो टेस्ट है एनालिसिस ऑफ वेरियंस की ही इक्वलेंट है, लेकिन क्रुस्कल वैलिस टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। जब हमारा डेटा जो है नॉर्मल और होमोजीनियस नहीं हो तो उस केस में हम जो है क्रुस्कल वैलिस टेस्ट यूज़ करते हैं। तो उसमें दो तरीके का हमने वेरिएबल लिए, एक हार्ट रेट स्कोर है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है न्यूमेरिक में, और एक कॉफ़ी कंज्यूम्पशन है। तो अलग अलग ट्रीटमेंट हमने किया है। जैसे एक ग्रुप को हमने जो 10 पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कोई कॉफ़ी नहीं दी, उनका हार्ट रेट स्कोर देखा। दूसरे ग्रुप को हमने, इसको हम नो कप कॉफ़ी वाले ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप कह सकते हैं। सेकेंड ग्रुप को 1 कप कॉफ़ी हमने दिया, उसका हार्ट रेट स्कोर नोट किया। थर्ड ग्रुप में जो 10 पर्सन्स हैं उनको हमने कॉफ़ी दिया और 2 कप कॉफ़ी और उनका हार्ट रेट स्कोर मेजर किया। और तीसरा जो ग्रुप है 4 कप कॉफ़ी और उनका हार्ट रेट स्कोर। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हार्ट रेट स्कोर कॉफ़ी कंज्यूम्पशन के ऊपर डिपेंड है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो फाइल है जिसमें 40 जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस स्टडी में, उसका डेटा हमारे पास है। और इस डेटा के थ्रू हम जो है ये चेक करेंगे कि क्या कॉफ़ी कंज्यूम्पशन से हार्ट रेट स्कोर इंक्रीज होता है या नहीं। अगर होता है तो क्या 1 कप कॉफ़ी से होता है, 2 कप कॉफ़ी से होता है या 3 कप कॉफ़ी से। तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास ये डेटा आ गया है और इसको मैंने माई डेटा से इसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये फाइल बार बार हमें नहीं लिखनी पड़ेगी, बड़ी फाइल है, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में माई डेटा लिख लिया। अब सबसे पहले हमें कभी भी कोई भी हम टेस्ट लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले हमेशा ग्राफ के थ्रू अपने डेटा का नेचर हमें समझना चाहिए कि डेटा वो कह क्या रहा है, कैसा दिख रहा है। तो इसमें हमने जो है बॉक्स प्लॉट बना रहे हैं और बॉक्स प्लॉट में जो हमने लिया है 3 इसमें जो होंगे ग्रुप, 4 ग्रुप होंगे जिसमें एक 9 कप कॉफ़ी, 4 कप 2 कप कॉफ़ी, 4 कप कॉफ़ी और एक 1 कप कॉफ़ी, ठीक है। और इसमें जो हमने लिया है, इसको जो हम कंपेयर कर रहे हैं, जो ग्रुप्स हैं हमारे पास वो है माय डेटा और इसके साथ जो हमने लिया कॉफ़ी, जिसमें ये जो फैक्टर में है और ये वाला न्यूमेरिक डेटा है। और इसके साथ इसमें हम कलर स्कीम देना चाहते हैं कि जो कलर है वो अलग अलग कलर में आ जाए। तो अलग अलग कलर के लिए हम इसमें कोई भी कलर अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। कलर के लिए हमने जो है 3-4 कलर लिए हैं अलग अलग ग्रुप के लिए, जैसे ये 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। तो अब बॉक्स प्लॉट हमारे पास बन के आ जाएगा। ये देखिए ये हमारे पास जो है पूरा बॉक्स प्लॉट आ गया और बॉक्स प्लॉट हमें बता रहा है जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। देखिए 4 कप कॉफ़ी के लिए 9 कप कॉफ़ी और 1 कप कॉफ़ी और 2 कप कॉफ़ी का, ये हमारे पास बॉक्स प्लॉट बनकर आ गया। तो हार्ट रेट स्कोर अगर हम देखें सिग्निफिकेंटली यहाँ पर बढ़ रहा है यहाँ पर, जबकि जो डेटा है हमारा वो काफ़ी डिस्पर्स है, होमोजीनियस नहीं है और इस और शायद नॉर्मल भी नहीं है। इसी वजह से जो ये अजम्पशन है उसके फिलफिल नहीं हो रहे, इस वजह से हमने इसको जो है जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो लगाया। हम इसके चाहे तो एजम्पशंस भी चेक कर सकते हैं। देखिए शैपिरियो टेस्ट के थ्रू जो है हम लोग इसका जो एजम्पशन है, जो डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए वो चेक कर सकते हैं। माय डेटा और इसमें जो हार्ट रेट स्कोर है हमारा HR स्कोर, हमेशा जो है नॉर्मलिटी हम कंटीन्यूअस डेटा के लिए ही देखते हैं। तो ये देखिए ये 0.05 से कम आ रहा है, इसका मतलब है कि डेटा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और ये इस ग्राफ के थ्रू भी दिख रहा है। देखिए अगर इस सारे ही जो डेटा में वेरिएशन की रेंज इतनी होती तो हम कह सकते थे कि डेटा हमारा नॉर्मल और होमोजीनियस दोनों है। तो इसलिए ये डेटा हमारा जो है नॉर्मल नहीं है। हम लोग इसमें जो है सीधा जो टेस्ट लगाएंगे क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, क्योंकि डेटा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो टाइप किया वो किया क्रुस्कल वैलिस टेस्ट। क्रुस्कल वैलिस टेस्ट में हमने दो अपने वेरिएबल लिए हैं, जिसमें एक वेरिएबल हमारा
कैटेगरिकल है और एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। हार्ट रेट स्कोर हमारा जो वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूस है और कॉफी जो है वो हमारा कैटेगरिकल वेरिएबल है, मतलब फैक्टर में लिखा है, ठीक है। और ये डेटा जो जिस पर हम फाइल पे काम कर रहे हैं उसका हमने नाम रख दिया था माई डेटा। अब इसको हमें रन करना है, सीधा सिंपली एंटर किया हमने, देखिए ये आ गया कि कॉफी कंज्यूम्पशन से जो है हार्ट रेट स्कोर होता है, बढ़ता है, क्योंकि ये जो पी वैल्यू लेस देन 0.05 है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉफी कंज्यूम्पशन से हार्ट रेट स्कोर बढ़ता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हार्ट रेट स्कोर 1 कप कॉफी पीने से बढ़ता है, 2 कप कॉफी पीने से बढ़ता है, या 4 कप कॉफी पीने से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑक टेस्ट करते हैं। पोस्ट ऑक टेस्ट में जो है पहले हम ये देख लें कि जो पोस्ट ऑक टेस्ट करता है पैकेज वो हमारे इसमें इंस्टॉल है या नहीं है। हमने वैसे इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन हमें इसको परफॉर्म करने से पहले इस पैकेज को भी परफॉर्म इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया डन टेस्ट, और ये जो पोस्ट ऑक मैं देखना चाह रहा हूँ माई डेटा, माई डेटा के साथ जो है एचआर स्कोर, और एचआर स्कोर के साथ माई डेटा, जो दूसरा हमारा वेरिएबल है वो है कॉफ़ी, डॉलर साइन कॉफ़ी आ गया, और जो मेथड है वो है हमारा बॉन फेरोनी टेस्ट। मेथड हमने जो यूज किया है पोस्ट ऑफ टेस्ट के लिए वो है बॉन फेरोनी, ये बॉन फेरोनी ये आ गया है ना, बॉन फेरोनी टेस्ट। अब इसको जो है हमें क्या करना है, बस एंटर करने के बाद इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये देखिए, तो ये रिजल्ट्स हमें क्या बता रहा है कि जो 9 कप कॉफी और 4 कप कॉफी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, मतलब 4 कप कॉफी पीने से जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है, जबकि 1 कप कॉफी और 9 कप कॉफी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन जैसे 2 कप कॉफी से हम इंक्रीज करते हैं तो भी हमारा जो ये क्या कहते हैं हार्ट रेट स्कोर बढ़ जाता है। तो इसको जो हम लिखेंगे इस तरीके से, देखिए ये हमारा लिखने का तरीका होगा, रिपोर्टिंग का तरीका, कि हार्ट रेट वर सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय कॉफी कंज्यूम्पशन, क्योंकि ये वैल्यू हमारी इतनी आई है, और ये कहता है कि जो 9 कप कॉफी और 4 कप कॉफी में जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, लेकिन जैसे 2 कप कॉफी से 4 कप कॉफी की तरफ जाते हैं कॉफी की तरफ, तो ये जो है हमारा हार्ट रेट स्कोर बढ़ने लगता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।